हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सभी लगे हुए हो पढ़ाई में। किसी ने भी अपनी स्टडी छोड़ी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि पेपर आपका होने वाला है। ये समझो कि आपका नवंबर में पेपर हो जाएगा। ओके, केस के चक्कर में मत पड़ो कि केस हो रहा है, पेपर होगा नहीं होगा, पता नहीं, पढ़ाई करे नहीं करे। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका नवंबर में पेपर हो जाएगा। और अभी आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए जितना भी हो सके, क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है अपने पेपर की एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको सर्किट स्विचिंग बता चुकी हूँ। आपके या तो न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन आए या आपका थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आए, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं वहाँ कवर करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैकेज स्विचिंग क्या होती है। गाइस, पैकेज स्विचिंग से भी आपके या तो न्यूमेरिक पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे न्यूमेरिक थ्योरेटिकल पार्ट पूछ लिया जाएगा, या डिफरेंस बिटवीन दोनों में पूछ लिया जाएगा। ओके, तो पैकेज स्विचिंग क्या है गाइस? देखिए, इन पैकेज स्विचिंग द एंटायर मैसेज टू बी सेंड इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर साइज पैकेट। ओके, सेकेंड है, दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सिंगल मैसेज इंटू स्मॉलर साइज पैकेट इज कॉल्ड द पैकेजलाइजेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक पैकेज है आपका, और उस पैकेज का मतलब पार्ट डिवाइड कर देते हैं वो लोग, और एक पार्ट एक बार सेंड करेंगे, दूसरा पार्ट दूसरी बार सेंड करेंगे, तीसरा पार्ट ये, मतलब एक पार्ट के मल्टीपल टुकड़े कर देते हैं और फिर वन बाय वन उनको सेंड करते हैं। ओके, और उसको पैकेजलाइजेशन बोलते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका, दीज स्मॉलर पैकेट आर सेंड आफ्टर द अदर। मतलब पहले एक सेंड किया, फिर से एक साथ सेंड नहीं करते, वन बाय वन सेंड करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट, इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग एंड रिड्यूस द टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसमिट द मैसेज। ओके, एडवांटेज किसमें? आपके पाइपलाइनिंग एंड रिड्यूस द टोटल टाइम टेकन बाई ट्रांसमिटर द पैकेज। ओके, आगे देखते हैं, ऑप्टिमल पैकेज साइज। ओके, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं, इफ द पैकेज साइज इज नॉट चॉइस। ओके, तो इट मे बी रिजल्ट इन एडवांस इफेक्टिव। ये मैं लेफ्ट करवा रही हूँ, ये शायद ये वाला एग्जांपल देखिए। ओके, तो देयर इज ए नेटवर्क हैविंग बैंडविड्थ इतनी है। आपकी एक नेटवर्क में आपको बैंडविड्थ दी जाएगी, मैसेज का साइज दिया जाएगा, और पैकेज स्विचिंग टेक्निक यूज करने के लिए वो बोलेंगे, और ईच पैकेज इज ए हेडर ऑफ 10 बाइट। ओके, आपको ये चीज क्वेश्चन में दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं एक पैकेज सेंड करता हूँ, इसमें क्या पूछा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन हाउ मैनी पैकेट द मैसेज मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द टाइम टेकन इज मिनिमम। ठीक है, इस मैसेज साइज को मैं कितने पैकेज में, कितने पैकेट में डिवाइड करूं, पैकेज में डिवाइड करूं कि मेरा जो टाइम है वो मिनिमम लगे। ओके, तो या मैं एक में डिवाइड करूं, 5 में डिवाइड करूं, या 10 में डिवाइड करूं, या 20 में डिवाइड करूं, तो उसमें किस में मुझे सबसे कम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम, तो आपको ये बताया गया है। ओके, न्यूमेरिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि कितना टाइम लगेगा, और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर मैं सिंगल एक पैकेट में मैसेज सेंड करती हूँ, तो अगर वो हम कैसे कैलकुलेट करते, टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए, पैकेट का साइज प्लस मैं 100 आपको बाइट दी गई है, तो इतना आपका बाइट था। ओके, फिर टोटल इतना हो गया आपका बाइट। ठीक है, तो टोटल पैकेज साइज आपकी इतनी होगी। ट्रांसमिशन डिले मतलब टाइम कितना लगेगा आपको। ओके, पैकेज टाइम साइज कितना है आपका, टोटल इतना है, डिवाइड बाय जितनी बैंडविड्थ आपको दी गई है, 1 Mbps दी हुई है, वो डिवाइड कर दोगे तो आपका ट्रांसमिशन डिले टाइम आ जाएगा। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -6। ओके, ये 10 की पावर -6 क्यों किया है, क्योंकि आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बाइट को आपको एमबीपीएस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लिया है, तो
तो 3 मल्टीप्लाई में ट्रांसमिशन डिले कर देंगे। तो 3 क्या है, टोटल टाइम टेकन 3 क्या है, आपको पता है 3 क्या है, यहां से आया 3, जो कंप्लीट मैसेज है आपका, टोटल टाइम टेकन टू सेंड द कंप्लीट मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो पहला आपका आएगा 3 मल्टीप्लाई में ट्रांसमिशन डिले, तो 3 मल्टीप्लाई में 1.1 मिली सेकेंड, तो 3 मल्टीप्लाई में 3 सेकेंड आपका टोटल टाइम निकल कर आएगा। अगर आप 5 के पैकेट में सेंड करना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, 1 पैकेट निकालोगे, ठीक है, फिर इसको आप साइज कैसे निकालोगे, जितना आपका हेडर फाइल दिया हुआ है वो प्लस कर दोगे, तो टोटल पैकेज का साइज आपका इतना है, ठीक है, टोटल। ओके, ट्रांसमिशन डिले निकाल लोगे, इसी को बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ट्रांसमिशन डिले आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद टोटल टाइम आप निकाल लोगे। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, फर्स्ट पैकेज का तो ये था और बाकी का बचा कितना, फर्स्ट का ये था, ओके, बाकी का बचा कितना, 4 बचा, तो 4 को 3.0.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 5 का निकल कर आ जाएगा। और टोटल टाइम कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो ये आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब मैं चलती हूँ आपके आगे, ये पूरा सेकंड एग्जांपल ये आप देख सकते हो, ये पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। तो टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग, कितने पैकेट, कितने टाइप की होती है पैकेट स्विचिंग आपकी, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और डाटाग्राम स्विचिंग। ओके, ये वर्चुअल सर्किट स्विचिंग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका क्या काम है, पहले कनेक्शन बनाओ, फिर ट्रांसमिशन करो डाटा, फिर उसको डिसकनेक्ट करो। ओके, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब है डाटाग्राम स्विचिंग। डाटाग्राम स्विचिंग में क्या है गाइस, इन ए डाटाग्राम स्विचिंग देयर एग्जिस्ट नो डेडिकेटेड पाथ फॉर ए डाटा ट्रैवर। ओके, कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता इसमें। द हेडर ऑफ ईच पैकेट कंटेन द डेस्टिनेशन एड्रेस, हर पैकेज में एक हेडर प्लस किया हुआ होगा और उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस आपको मिलेगा। ओके, व्हेन एनी इंटरमीडिएट स्विच रिसीव द पैकेज इट एग्जामिन द इट इज डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, इट देन कंसल्ट द राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल फाइंड द कोरस्पोंडिंग पोर्ट थ्रू विच द पैकेट शुड बी फॉरवर्ड। ओके, आगे बता रही हूँ, थोड़ा आगे आगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्चुअल सर्किट स्विचिंग यूएस डाटाग्राम स्विचिंग में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको बोला गया है कि फर्स्ट पैकेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इन्फॉर्म द इंटरमीडिएट स्विच देन मोर पैकेज स्विचिंग। ओके, सेकंड है रिजर्व द रिसोर्स सीपीयू बैंडविड्थ एंड बफर फॉर द फॉलोइंग पैकेज एट ऑल द स्विच ऑन द वे। डाटाग्राम स्विचिंग में फर्स्ट पैकेज डज नॉट परफॉर्म एनी सच टास्क ड्यूरिंग इट इज ट्रांसमिशन। ओके, सेकंड है आपका द पैकेज आर नेवर डिस्कार्ड एट इंटरमीडिएट स्विच एंड इमीडिएट फॉरवर्ड सिंस रिसोर्स आर रिजर्व फॉर देम। इसमें पैकेज डिस्कार्ड आपका नहीं होता है। द पैकेज मे बी डिस्कार्ड एट इंटरमीडिएट स्विच इफ सफिशेंट रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल टू द प्रोसेस ऑफ द पैकेज। ओके, इट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस सिंस रिसोर्स आर रिजर्व फॉर ए पैकेट एट इंटरमीडिएट स्विच। इट इज ए कनेक्शन लेस सर्विस सिंस नो रिसोर्स आर रिजर्व फॉर द पैकेज स्विचिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑल द पैकेज फॉलो द सेम डेडिकेटेड पाथ। All the packages take path independently. Okay, कहीं से भी आपका पैकेज जा रहा है। Data appear in order at the destination since all the packages take the same dedicated path. Data may appear out of order at the destination since the packages take path independently. Okay,
तो ये इनका डिफरेंस बिटवीन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। सेकंड है, आगे है, ओनली फर्स्ट पैकेज रिक्वायर्ड ए ग्लोबल हेडर विच आइडेंटिफाइड द पाथ फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। All the following packages required a local header which identify the path from the hop to hop. All the packages required a global header which contain full information about the destination. ATM, asynchronized transfer mode. ATM की full form क्या है? Asynchronized transfer mode. Use virtual circuit switching. IP नेटवर्क यूज डाटाग्राम स्विचिंग। ओके, ATM क्या यूज करता है आपका? वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, और IP नेटवर्क आपका डाटाग्राम स्विचिंग यूज करता है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड एट द डाटा लिंक लेयर, डाटाग्राम स्विचिंग इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड टू द नेटवर्क लेयर। ओके, ये आपका डाटा लिंक लेयर पर काम करता है, ये आपका नेट। इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे गाइस, पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना। अगर इस टाइप के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो इतने अच्छे से। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गाइस, इस ये जो क्वेश्चन है आपको ये 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ओके, 8 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इसमें क्या पूछेगा? इन ए पैकेज स्विचिंग नेटवर्क पैकेज आर राउट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, ठीक है। सिंगल पाथ हैविंग टू इंटरमीडिएट नोड, सिंगल पाथ। इफ द मैसेज साइज इज 24 बाइट, एंड सिंगल पाथ मतलब आपका क्या है? इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपका क्या इसमें है? वर्चुअल सर्किट स्विचिंग पूछा गया है इसमें। और ईच पैकेट कंटेन द हेडर ऑफ 3 बाइट, द मिनिमम पैकेज साइज आपका क्या होना चाहिए? ओके, तो ये न्यूमेरिक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है, आपको प्रैक्टिस के लिए आप ये यूज कर सकते हो कि कैसे आप सोल्व करोगे। तो ये मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको सर्किट स्विचिंग एंड पैकेज स्विचिंग दोनों के ही नोट्स मिलेंगे। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और सेकंड बात गाइस, ये मेरे OBS में क्या आपको सुनाई भी दे रहा होगा, वॉइस काफी बेकार वॉइस आती है, इसको मैं कैसे रिमूव करूँ ये भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू गाइस।